हेलो एवरीवन, दिस इज शनि कुमार गुप्ता। वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर ऑनलाइन यूट्यूब क्लास। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू साइंस ऑफ क्लास थर्ड एंड चैप्टर टू। दैट चैप्टर नेम इज ईटिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स। एंड माय डियर स्टूडेंट, इन लेक्चर फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स, हार्वीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्कैवेंजर। ओके, एंड नेक्स्ट हाउ एनिमल्स ईट फूड। एंड इन दैट टॉपिक, दैट्स आवर टूडेज टॉपिक, आई एम गोइंग टू टीच यू दैट्स एलिफेंट हैव लार्ज ट्रंक। एलिफेंट हैव लार्ज ट्रंक विच हेल्प्स देम टू ईट प्लांट्स एंड ड्रिंक वाटर। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि एलिफेंट्स के पास एक लंबी सी ट्रंक होती है जिससे वो अपना फूड, इट मीन्स प्लांट्स को, और ड्रिंकिंग ऑफ वाटर यूज करता है वो। दे यूज़ देयर ट्रंक्स टू स्प्रे वाटर लाइक फाउंटेन इनटू देयर माउथ्स टू ड्रिंक वाटर एंड ओवर देयर बॉडीज टू बाथ। It means with the help of trunk, elephants take a bath, drink, and another things of another work do with the trunk. Okay, यानी हाथी जो होता है वो अपने trunk के द्वारा वो उससे पानी पीता है, टहनियों को, अपने भोजन को एकत्रित करता है, और वो bathing यानी स्नान भी उससे करता है। Next is giraffe. जिराफ हैव लॉन्ग नेक। इट मीन्स जिराफ हैव लॉन्ग नेक, यानी जिराफ के पास लंबी गर्दन होती है, ठीक है। देम टू ईट फ्रॉम द हायर ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, इट मीन्स हाई से हाई, ऊँचे से ऊँचे ट्रीज के टहनियों को वो जिराफ अपने गर्दन के, नेक्स के सपोर्ट से वो ईटिंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट, flesh eating animals. और carnivores have very sharp and pointed teeth which help, यानी flesh eating animals या carnivores होते हैं उनके दांत जो होते हैं pointed होते हैं और sharp होते हैं, with the help of tearing the flesh of the prey, यानी जो मरे हुए जीव जंतु रहते हैं उनसे काटने में, उसे काट के खाने में वो उसके help करते हैं, ठीक है ना। और बहुत वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एनिमल्स दैट स्वेलो फूड होल फूड, यानी कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो जंतुओं को स्वेलो करते हैं यानी चबा के खाते हैं। सम फ्लेश ईटिंग एनिमल्स लाइक फ्रॉग, स्नेक, लिजर्ड एंड कैमोलंस हैव नो टीथ। ओके, दे स्वेलो देयर फूड, यानी वो चबा के निगल जाते हैं, वो होते हैं कुछ जैसे फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक्स। ये सब जो एग्जांपल्स हैं वैसे एनिमल्स का है जो स्वेलो करते हैं एनिमल्स को। ओके, एंड एनिमल्स ईटिंग लिक्विड फूड, विच टाइप्स ऑफ सम एनिमल्स लिक्विड फूड, यानी कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो लिक्विड फूड अपना करते हैं, वो कौन, सम इंसेक्ट लाइक हॉनी बी, मस्क्यूटोज एंड बटरफ्लाई सर्वाइव ऑन लिक्विड डाइट, यानी ये जो रहते हैं ये आपको लिक्विड पार्ट जो होते हैं उसे खाते हैं और उसे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं आपको, दे डू नॉट हैव टीथ, इनके पास दांत नहीं होता है किसके लिए, चबाने के लिए फूड को। इंस्टेड दे हैव लॉन्ग ट्यूब लाइक टोंग टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, यानी इनके पास दांत नहीं होते हैं लेकिन टोंग जो इनके होते हैं वो शक यानी नेक्टर जो फ्लावर से जो मधुमक्खियां रस होता है उनका वो उसे एकत्रित करने का वर्क करता है, ठीक है। लीसेस हैव हंड्रेड्स ऑफ टीनी शार्प टीथ टू कट थ्रू द स्किन ऑफ एनिमल्स एंड दे सिक
they stick to the body to the bodies of animals to suck their bloods. यानी ये लीच होते हैं, इनके अंदर दांत होते हैं और ये क्या करते हैं, ये animals को काटते हैं और काटने के बाद उसे शक यानी रस को ब्लड्स को क्या करते हैं, वो अपने में खींच लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स. माय डियर स्टूडेंट्स, वी ऑल्स आर नो पेट एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स. ठीक है, हम सब कोई जानते हैं कि हमारे पास पेट एनिमल्स भी होते हैं और डोमेस्टिक एनिमल्स भी. जैसे कि वी मस्ट गिव इनफ न्यूट्रिएंट्स फूड आवर डोमेस्टिक एनिमल्स as they do lot of work for us. यानी वो हमारे लिए जो enough nutrients का जो food होता है वो domestic animals से ही मिलता है जो हमारे work में काम आते हैं. they need energy to do physical labor. यानी वो energy हमें देते हैं जिससे हम अपना कोई कार्य कर पाते हैं. and other than feeding our domestic animals with grass and leaf, और वो क्या खाते हैं, grass खाते हैं और leaves खाते हैं. we should also serve them rice grains barley corn oats and all seeds cakes. यानी वो बहुत से ऐसे चीज़ होते हैं जिन्हें वो खाकर और वो अपना क्या करते हैं, भोजन के रूप में वो सब यूज़ करते हैं. ठीक है, सच फूड प्रोवाइड देम एनर्जी टू डू वर्क एंड टू हेल्दी अलॉन्ग विथ फूड. वी मस्ट कीप देम वाटर एंड क्लीन vessels and clean their settlers regularly. मेरे प्यारे बच्चों, इनके सपोर्ट से हमारे भोजन और जो हम भोजन करते हैं उसमें जो एनर्जी मिलता है, जिस एनर्जी के द्वारा हम अपना काम करते हैं, जिनके साथ ये इनका वो सपोर्ट जो रहता है वो सबसे ज़्यादा मिलता है हमें. ठीक है ना, वी शुड बी काइंड टू देम एंड टेक गुड केयर. यानी हमें चाहिए कि हम अपने पेट एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स को यानी पालतू और घरेलू जानवर को की देख रेख हम अच्छे से करें, उन्हें खाने पीने और आदि की कमी ना हो पाए, क्योंकि वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज़ फूड चैन. वाट इज़ फूड चैन. फूड चैन क्या होता है, जैसे आप देखिए, अ फूड चैन शोज दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन इच अदर फॉर द फूड रिक्वायरमेंट्स. यानी इसमें क्या होता है कि सभी फूड वन बाय वन यानी डिपेंड रहते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, ऑन इच अदर फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट. वो अपनी फूड की पूर्ति के लिए, भोजन की पूर्ति के लिए वे सभी दूसरों पे निर्भर रहते हैं. इट सो दैट द ऑल लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड बाय ईटिंग अदर लिविंग थिंग. यानी वो अपने भोजन की पूर्ति के लिए दूसरे लिविंग थिंग्स को खाते हैं. एंड दिस लाइक अ चैन दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम, इट इज़ कॉल्ड अ फूड चैन. यानी इस चैन को हम फूड चैन कहते हैं. ठीक है ना, इस चैन को हम क्या कहते हैं, फूड चैन कहते हैं. ओके, तो ये है हमारा फूड. और इसे हम दूसरी भाषा में बोलें तो आपको क्या होता है, द फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स इज कॉल्ड अ फूड चैन. यानी जो भोजन का जो कार्यक्रम, भोजन खाने की जो प्रक्रिया होती है और जो रिलेशन बनता है एनिमल्स के बीच, उसे हम फूड चैन कहते हैं. ठीक है ना, One time I also repeat, the feeding relationship between animals is called a food chain. Okay, a plant is always at the beginning of a food chain. यानी plant जो होता है उसमें beginning यानी starting करता है जिसमें food chain का. जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे figure दिया हुआ, जैसे प्लांट्स हैं. ठीक है, ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स को ये खा रहे हैं, ग्रासोपर्स को, फ्रॉग को, स्नेक को, ईगल, फिर ईगल इसको खा, यानी ये जो हो गया इसका फूड चैन हो गया. ठीक है ना, तो आपको इसमें ये मिला आपको, यानी यहाँ भी है. जैसे देखिए ग्रेन्स है, ग्रेन्स को हेन खाया, हेन को फॉक्स खाया या मैन खाया.
ठीक है, तो ये आपको हुआ, इसमें सेकंड चैप्टर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। और आज आपको इस डिस्क्रिप्शन में भी और आपके क्वेश्चन आंसर का जो है आंसर आपको मिलेगा, आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे आप, एंड जैसे कि रीड एंड रिकॉल है वो, उसे आप एक वन टाइम्स रीड करेंगे, ओके। एंड दैट्स सम न्यू वर्ड्स, डी के प्रोसेस ऑफ रोटिंग, स्वैलो अलाउ फूड टू पास डाउन द थ्रूट, एंड नेक्चर सज फ्लूड ऑफ फ्लावर। सो दैट्स योर चैप्टर इज कंप्लीट टूडे, इट मीन सेकेंड चैप्टर eating habits of animals. So my dear student, firstly you write more than 20 English to Hindi word meaning, then if you write then you have no any problem for reading and understanding that chapter. If you have any problem then you also say, sir I have some problem in that topic, I discuss in deeply way, okay. So मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे और ध्यान से पढ़ें और अपना फेयर कंप्लीट करें। सो स्टे होम, सेफ योर लाइफ एंड कंटिन्यू योर स्टडी, ओके। से थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।